पोते पोती पर जान छिड़कते हैं मुलायम, पोते पोती भी कर रहे दादाजी के जल्दी ठीक होने का इंतजार। नेताजी की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा पूरा यादव परिवार। बच्चों की पुकार सुन जल्द ठीक हो जाएंगे नेताजी। खराब तबीयत की वजह से नेताजी वेंटिलेटर पर हैं। पूरा यादव परिवार नेताजी के पास है। देश को मुलायम सिंह के जल्द ठीक होने की आस है। उनकी सलामती के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। सबकी बस यही पुकार है कि नेताजी बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। मुलायम सिंह की खराब तबीयत को लेकर जहां बड़े बड़े लोग परेशान हैं, तो वहीं बच्चे भी बाबा से बात करने के लिए टकटकी लगाएं। ये कौन नहीं जानता कि मुलायम सिंह यादव अपने पोते पोतियों पर जान छुड़कते हैं। अब यही बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि दादाजी जल्दी ठीक हो जाएं और हम फिर से उनकी गोद में एक बार फिर से खेलें। हाल ही में पोती अदिति यादव ने ट्विटर पर दादा मुलायम सिंह यादव की तस्वीर जारी की, साथ ही लिखा दादाजी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से मंगल कामना करें। वहीं पिता के खराब स्वास्थ्य की जानकारी जैसे ही बेटे अखिलेश और परिजनों को दी गई, वो तत्काल मेदांता पहुंच गए। उधर चाचा शिवपाल यादव और बाकी परिवार भी मुलायम सिंह यादव के पास पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक नेताजी को रात भर डायलिसिस दी गई थी, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार के लक्षण नजर नहीं आए। उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, इसी वजह से मुलायम को वेंटिलेटर पर रखा गया है। अब बच्चों को भी इंतजार है दादाजी के जल्दी से ठीक होने का, क्योंकि दादाजी अपने पोते पोतियों पर जान छुड़कते हैं। हाल ही में मुलायम सिंह यादव की पोती अदिति यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने दादा की तस्वीर साझा की। तस्वीर के साथ लिखा था कि दादाजी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से मंगल कामना करें। समाजवादी पार्टी की ओर से बयान जारी करके जानकारी दी गई है कि नेताजी की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो गुरुग्राम में अस्पताल के बाहर इकट्ठा ना हो। नेताजी के स्वास्थ्य की जानकारी लगातार दी जा रही है। अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव हैं। बड़े पॉलिटिकल परिवार में जन्मी अदिति के तेवर कम उम्र में ही सियासी हैं। एक इंटरव्यू में जब अदिति से पूछा गया कि उन्हें दुनिया में कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने जवाब दिया कि सैफई, यह अखिलेश का पैतृक गांव है। 2016 में सैफई में हुए एक आयोजन में अदिति ने इंग्लिश में गाना गाया था। इस आयोजन में बड़े उद्योगपति, सिनेस्टार और राजनेता मौजूद थे। हाल ही में उन्होंने 12वीं की परीक्षा में 98% अंक प्राप्त किए। अब आपको अदिति की सोशल मीडिया पर सक्रियता के बारे में बताते हैं। अप्रैल 2019 में अदिति ने ट्विटर ज्वाइन किया था। सिर्फ 3 लोगों को वो फॉलो करती हैं, जबकि अदिति यादव के 1,46,000 फॉलोअर हैं। उनके लिखे मैसेज पर लोग खूब रिट्वीट करते हैं। अखिलेश के बेटे अर्जुन के ट्विटर हैंडल पर 18,000 फॉलोअर हैं। एक्टिवनेस की बात करें तो उन्होंने बीते जनवरी महीने में 51 ट्वीट किए। अप्रैल 2020 में अकाउंट बनाने के बाद उन्होंने अब तक कई हजार ट्वीट किए हैं। अर्जुन अपनी बहन अदिति की तरह सिर्फ 3 लोगों को ही फॉलो कर रहे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव के मुताबिक उनके तीनों बच्चों का मिजाज एक दूसरे से अलग है। रिजल्ट दिखाने में बच्चे चालाकी करते हैं। एक ज्यादा नंबर वाले पन्ने पर मेरा साइन करना पसंद करता है, तो दूसरा कम नंबर आने पर ही कॉपी बढ़ाता है। अखिलेश की पत्नी डिंपल ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि अदिति हिंदी में काफी अच्छी हैं। बच्चे पॉलिटिक्स में आएंगे या नहीं, इस सवाल के जवाब में डिंपल ने कहा था कि ये बच्चों के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अब बच्चों की यही पुकार है कि जल्दी से उनके दादाजी ठीक हो जाएं, ताकि वो उनके साथ खूब मस्ती कर सके। अपने पोते पोतियों पर जान छुड़कने वाले मुलायम फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। मुलायम सिंह की सेहत में गिरावट की वजह से सोमवार को उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया था। सपा के संस्थापक और संरक्षक 82 वर्षीय मुलायम सिंह यादव का मेदांता में इस साल अगस्त से इलाज चल रहा है। बता दें कि सपा की ओर से बुधवार को ट्वीट किए गए अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि सपा संस्थापक की स्थिति अब भी चिंताजनक है और उन्हें जीवन रक्षक दवाइयां दी जा रही हैं। मेदांता के आईसीयू में विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम मुलायम सिंह यादव के इलाज में जुटी है। वहीं उनके बेटे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपने पिता के साथ हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि नेताजी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और हमारा मार्गदर्शन करें।